8:30-9 बजे के दरमियान में जब ये बारिश हुई है, उसका जो है दुकान का जो है छत बैठ गई और मेरा भाई जो उसके अंदर दुकान में उसको था वो उसमें फंस गया मलबे में, हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ उन्होंने उसको मृत डिक्लेयर कर दिया। शाम को हुई बारिश के बाद ये तस्वीरें हैं आईटीओ की। अब सुबह का वक्त है, ऐसे में लोग ऑफिस के लिए निकलेंगे तो जल भराव का जब सामना करेंगे तो ट्रैफिक की स्थिति होगी। अब देखिए कि सुबह के वक्त किस तरह से इस पानी को कम करने की कोशिश की जा रही है मशीनों के द्वारा। बीते कई दिनों से उमस वाली गर्मी से हाल बेहाल दिल्ली एनसीआर में जब 31 जुलाई को शाम ढली तो आसमान बादलों से ढक गया और झमाझम बारिश होने लगी। देखते ही देखते दिल्ली एनसीआर में जगह जगह जल भराव होने लगा। ऑफिस से लौट रहे लोग रास्ते में ही फंस गए। जगह जगह जाम लग गया। आलम यह हुआ कि बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। अगले दिन सुबह यानी 1 अगस्त को दिल्ली के कई इलाकों में जगह जगह पानी भरा दिखा। ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। राजधानी दिल्ली में कल शाम हुई जबरदस्त बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस वक्त हम आईटीओ पर मौजूद हैं और यहां का नजारा आप देखिए कि किस तरह से अभी भी जलभराव है और लोग जो है वो गाड़ियों में आप देखिए किस तरह से पानी में ही गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। ये कल शाम को हुई बारिश के बाद ये तस्वीरें हैं आईटीओ की। अब सुबह का वक्त है, ऐसे में लोग ऑफिस के लिए निकलेंगे तो जल भराव का जब सामना करेंगे तो ट्रैफिक की स्थिति होगी। अब देखिए कि सुबह के वक्त किस तरह से इस पानी को कम करने की कोशिश की जा रही है मशीनों के द्वारा। लेकिन वहीं मौसम विभाग की तरफ से आज राजधानी दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी रुक रुक कर आज राजधानी दिल्ली में बारिश होगी। लेकिन अब आप देखिए कुछ घंटों की हुई बारिश के बाद किस तरह से राजधानी दिल्ली जो है जलमग्न हो जाती है। कई पॉश इलाकों में इसी तरह से पानी जो है वो भर जाता है, घुटने तक अभी भी पानी जो है वो भरा हुआ है। और आप ये देखिए किस तरह से यहाँ से गाड़ियां जो है वो धीमी रफ्तार में गुजरती हुई नजर आ रही है। तो ये आईटीओ की तस्वीर है। ये अगर बात करें तो किस तरह से ईस्ट दिल्ली को नई दिल्ली से जोड़ता है और लोग जो है अब ऑफिस के लिए निकलना शुरू हो चुके हैं, तो लिहाजा इस जल भराव का सामना भी लोगों को करना पड़ेगा। दिल्ली में हुई भारी बारिश की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक 22 साल की तनुजा और उनका 3 साल का बेटा प्रियांश गाजीपुर क्षेत्र की खोड़ा कॉलोनी के पास साप्ताहिक बाजार में गए थे। इस दौरान वो फिसल गए और एक नाले में गिर गए। अधिकारी ने कहा कि दोनों को गोताखोरों और क्रेन की मदद से निकाला गया और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं भारी बारिश की वजह से दिल्ली के दरियागंज में एक प्राइवेट स्कूल की दीवार गिर गई और कई गाड़ियां उसकी चपेट में आ गईं। उधर भारी बारिश के चलते दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में एक बिल्डिंग गिर गई, जिसमें बताया जा रहा है कि एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल थे। 8:30-9 बजे के दरमियान में जब ये बारिश हुई है, उसका जो है दुकान का जो है छत बैठ गई और मेरा भाई जो उसके अंदर दुकान में उस वक्त था वो उसमें फंस गया मलबे में, और वो जो है जब उसको बाहर निकाला गया उसको हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ उन्होंने उसको मृत डिक्लेयर कर दिया। कितने बजे की घटना था? करीब 8:30 बजे। क्या लग रहा है कि जिस तरह बारिश हुई थी उसी दौरान गिरा था? यार ये खास समझो बिल्कुल फ्लैट हुआ बंद। हाँ बारिश के कारण डेंजर। हाँ बारिश के कारण हमने इसकी पहले कमेंट की थी, लेकिन उन्होंने क्या करा पहले छज्जे तोड़वा दिया। हाँ पूरी बिल्डिंग नहीं था। हम सारे खड़े थे, खड़े थे। ये हमारे सामने ही घटना हुई है। घटना होते हम सारे वहाँ जुट गए। हम जुटने के बाद में हम सारे मोहल्ले के लोग हैं, हमने उन बंदों को निकालने की कोशिश करी,
तीन घंटे हमने कार्य करा, हमारे सारे कपड़े मट्टी में थे, मजदूर लगे हमारे हाथ पर सब चिले। सर उसमें कितने लोग दबे हुए थे? मैं बता, एक बंदा निकला अभी, एक बंदे, और भी कोई बंदा हो सकता है? निकला एक है। अच्छा, चले गए? क्या कौन थे, दुकानदार थे? दुकान के ओनर, क्या नाम था उनका? उनका नाम क्या है? उनका नाम अनिल, अनिल नाम है। क्या उम्र रही होगी? उम्र कोई 60 के करीब। क्या हिला हालात है अभी उनका? हालात उनके खत्म है, डेड है। अनिल, अच्छा, मलबा से दबने के कारण हुआ? के दबने के कारण हुआ, उनके ऊपर उन्होंने दम तोड़ दिया। अच्छा, क्या उनके उनकी फैमिली में कोई बच्चे होते यहाँ आए मौके पे? अच्छा, हाँ, बारिश खत्म हो चुकी है, बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हो रही है। हम लोग बारिश सफाई करके बस वहीं पे खड़े थे, इतने में बिल्डिंग गिरी। बिल्डिंग गिरने के जस्ट बाद हम लोगों ने देखा इस तरह के सलोन के ताले खुले पड़े हैं, तो हमें लगा कि मतलब कोई ना कोई अंदर है। फिर हमने सलोन टॉर्च चला के अंदर देखी, तो इतने की हाथ और आवाज दोनों बाहर आ रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। फिर मौके पर हम तक पहुंचे, पहुंचने के करीब आधे घंटे तक हमने फिर हाथ से सर निकाला बाहर, उस समय तक सांस चल रही थी, करीब एक घंटे हो गए उस समय। उसके बाद हम आधे घंटे बाद, डेढ़ घंटे जब हो गए, एम्बुलेंस बच जाता है। एम्बुलेंस कितने देर बाद आई? एम्बुलेंस आई नहीं, एकदम देर, तो 3 घंटे की एम्बुलेंस आई। अगर एम्बुलेंस मौके पे अगर आधे घंटे बाद या एक घंटे बाद भी अगर आती ना, तो हम उनको ऑक्सीजन ऑप्शन। वहीं दिल्ली के राजेंद्र नगर में जहां पिछले दिनों आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हुई थी, वहां एक बार फिर बारिश के चलते हालात बेकाबू दिखे। दिल्ली में बारिश की वजह से 1 अगस्त यानी गुरुवार को सभी स्कूल बंद रहे। 31 जुलाई को दिल्ली NCR में भारी बारिश की वजह से हुए हादसे में करीब 7 लोगों की मौत हो गई। अलग अलग हादसों में 2 मौतें दिल्ली में हुई, 3 गुरुग्राम में और 2 ग्रेटर नोएडा में। मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों में भी दिल्ली NCR में भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।